नवी मुंबईच्या NMIMS सांस्कृतिक समितीला त्यांच्या बहुप्रतीक्षित कॉलेज फेस्टिवल त्वरण 2023 हा वार्षिक संमेलन 2 ते 4 मार्च दरम्यान मोठ्या उत्साहात रंगला. व्यवस्थापन, क्रीडा, वित्त, तंत्रज्ञान आणि परफॉर्मिंग आर्ट्स या क्षेत्रातील अनेक रोमांचक कार्यक्रमांचं वैशिष्ट्य असा हा उत्सव होता. या वर्षीची थीम ही मोमोयर्स ऑफ अ लास्ट पायलट ही होती, ज्यामध्ये लूट हस्तगत करण्यासाठी आणि वडिलोपार्जित खजिना शोधण्याच्या प्रवासात निघालेल्या पायरेट्सचा प्रवास हा त्वरण महोत्सवात दाखवण्यात आला. त्वरण 2023 हा सांस्कृतिक विविधतेचा उत्सव आहे, ज्यामध्ये भारतातील सर्वोच्च महाविद्यालयातील आणि कॉर्पोरेट जगतातील मान्यवर सहभागी होतील. प्रेक्षक आणि आयोजकांना एक स्मरणीय अनुभव प्रदान करण्याचा या उत्सवाचा उद्देश असतो. यामध्ये DY पाटील विद्यापीठ, MET युनिव्हर्सिटी यांसारख्या विविध महाविद्यालयांमधून 3000 अधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेत संगीत, नृत्य, नाटक आणि क्रीडा यासह अनेक रोमांचक आणि वैविध्यपूर्ण कार्यक्रमांमध्ये सहभाग घेतला. त्वरण जो है हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इव्हेंट है. ये एक कल्चरल इव्हेंट है और ये NMIMS नवी मुंबई का कल्चरल इव्हेंट है. खास करके NMIMS नवी मुंबई का कल्चरल इव्हेंट है. और कल्चरल इवेंट में लोग सोचते हैं कि बस मौज मस्ती होती है. हाँ, मौज मस्ती ज़रूर होती है. कल्चर इज ऑल अबाउट मौज मस्ती. बट ये मौज मस्ती पॉसिबल करने के लिए जो बच्चों ने दिन रात मेहनत की है, पिछले 2-3 महीने से बच्चे दिन रात लगे हुए हैं. इवेंट्स क्या रखने हैं, कैसे रखने हैं, कितने तौर पे उसमें पार्टिसिपेशन होगा, बाहर से कितने कॉलेजेस आएंगे, बाहर से कितने कॉलेज पार्टिसिपेंट्स हम लोग यहाँ कैंपस पे अकोमोडेट कर सकते हैं, ये पूरी डिटेल्ड प्लानिंग जब करते हैं तब जाके इस यू नो इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ अ कंक्लूजन. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी बोला था, NMIMS एक मैनेजमेंट कॉलेज है, तो हम क्लासरूम में मैनेजमेंट सिखाते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ हम लोग जो क्लासरूम में मैनेजमेंट सिखाते हैं उसको प्रैक्टिस में कैसे चेंज करते, एक्चुअली प्रैक्टिस में कैसे लाते हैं, ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. त्वरण इज अ वेरी बिग एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इनटू प्रैक्टिकलिटी. सो दिस इज द वे इट हैज गॉन. बहुत मेहनत की है बच्चों ने, 2-3 महीने से लगे हुए हैं, दिन रात, पिछले एक हफ्ते से बच्चे सोए नहीं है. एंड यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ इट. People are happy. There are more than 500 students participating from outside colleges. More than 20 colleges have participated in Twaran this year. So it's become a grand success. What is Twaran? Twaran, it means acceleration. So as a first year, when I was a member of an events department, to second year being the subordinate head of the events department, and currently the president of the whole committee, managing 8 departments, and over 450 organizing committee members. So at Twaran, being a cultural fest, we have performing arts, we have fashion, music, dance, drama, we also have tech events, we have sporting events. So cultural committee is a mix of all different type of events. Comparing to the last year of Twaran, this year we have Divya Agarwal as our judge for Mr. and Miss Twaran. It is our flagship fashion event. We also have Zayden, who's going to be performing on the third and the final day of the fest. It's always a pleasure coming back to Navi Mumbai. Hamesha lagta hai ki, you know, agar Navi Mumbai se kitne log hain jo, you know, yahan se nikal ke unhone kitna acha kaam kiya hai. To abhi bhi kafi talent hai aur badhta hi ja raha hai. So it's always good to just come and give them a shock for their future and then, you know, put them forward. त्वरण के बारे में क्या कहूँगी? त्वरण के बारे में ये कहूँगी कि बहुत अच्छे एफर्ट्स डाले हैं. देयर आर द किड्स वर ब्रिलियंट, दे हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट. आई वाज टॉकिंग टू मैम सेइंग कि हम लोग के टाइम पे इतना नहीं होता था, वे यू नो किड्स वर सो स्मार्ट, बट देन आई थिंक नाउडेज द बार इज रियली हाई. तो द किड्स वर ब्रिलियंट, दे डिड द फेस्टिवल वेरी अमेजिंगली डन. दिव्या, तुम्हें अपने कॉलेज के दिन कहीं याद आए? बिल्कुल बिल्कुल. आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं मिस फ्रेशर and you know miss this college, miss that college, main participate karti hi rahu. In fact miss Navi Mumbai was the last thing that I did in Navi Mumbai. So it's always fun to have such personality contests. Kuch future projects ab Divya ko hum kab dekhne wale hain? Bilkul ab dekhenge is saal kafi kuch. Main agar main bata sakti to main zarur batati.